हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल की जो हमारी यूनिट थी, वो हमारा जो टॉपिक था वो था असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की यूनिट से। तो आज हम बात करने वाले हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की। तो स्टीरियोटाइपिंग के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, क्लास 6 to 8 के अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि स्टीरियोटाइपिंग का मीनिंग क्या होता है और वो कैसे रोल प्ले करता है। तो आज हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का ही मीनिंग समझने वाले हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं स्टीरियोटाइपिंग को, तो वो आज समझेंगे। तो इससे पहले जो भी मेरी क्लासेस थी वो इंग्लिश पेडागॉजी की कम्प्लीटेड है, मैंने फिर स्टार्ट करी है आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो मैं असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक एक करके आपको टॉपिक देती रहूँगी। और साथ में हम एक या दो दिन छोड़कर हम करेंगे मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स, तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट बना दूंगी, वो आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो आज हम फिर अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो जिसे भी कोई भी डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर मुझसे पूछ सकता है। तो अपना फिर आज का टॉपिक है वो है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं स्टीरियोटाइपिंग। तो हम समझते हैं पहले कि स्टीरियोटाइपिंग का मीनिंग क्या होता है। स्टीरियोटाइपिंग का मीनिंग होता है अंधविश्वास करना। जो भी थॉट्स हम किसी और के लिए बनाते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता, हमने किसी से सुना और उसके बारे में हमने अजम्पशन लगा ली, उसे ही बोला जाता है स्टीरियोटाइपिंग। तो यहाँ पे मीनिंग लिखा है, क्या लिखा है, अ स्टीरियोटाइप इज अ थॉट दैट कैन बी अडॉप्टेड अबाउट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये स्टीरियोटाइपिंग होता क्या है हमारा, कि एक थॉट होता है, थॉट मतलब विचार होता है, थिंकिंग होती है आपकी, दैट कैन बी अडॉप्टेड, और वो किससे अडॉप्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडिविजुअल या फिर सर्टेन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। या आप कोई भी काम कर रहे हैं या फिर आपको कोई भी जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके जो थॉट्स होते हैं आप उन्हें सुनते हैं और उन्हीं को सुनने के बाद आप अपने भी थॉट्स बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम स्टीरियोटाइपिंग। दीज थॉट्स एंड बिलीव्स मे और मे नॉट बी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रियलिटी। ये जो किसी के बेसिस पर आपने थॉट्स बनाए हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है रियलिटी को। क्यों नहीं करता है, अब आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अब पहले जो भी सारे थॉट्स चलते आते थे या बिलीव से रिचुअल्स माने जाते थे पहले की जनरेशन के 90s के लोगों के, तो वो क्या थे कि जो लड़कियां हैं वो बाहर नहीं निकल सकती है, उन्हें एजुकेशन देना इतना कंपलसरी नहीं है, 16 साल की एज में ही आपको जो गर्ल्स हैं उनकी शादी कर दी जाती है, मैरिज कर दी जाती है। तो यही चीज़, ये थॉट्स पहले के थे, अब उन्हीं को लेके आगे वाली जनरेशन जो है वो ही उनके थॉट्स को फॉलो करने लग गई। तो ये स्टीरियोटाइपिंग बन गई कि जब हम किसी और के थॉट्स को फॉलो करने लगते हैं वो रियलिटी नहीं होती है पर फिर भी हम उनको फॉलो करते हैं, तो उसी को बोला गया है स्टीरियोटाइपिंग। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या है, तो यहाँ लिखा है कि अ स्टीरियोटाइप इज़ अ प्री कॉन्सीव्ड आइडिया। स्टीरियोटाइप क्या है कि एक प्री कंसीव्ड आइडिया है, मतलब आप किसी और से ही कंसीव करते हैं आइडिया को, एंड अबाउट सम ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड इमेज दैट इज जनरली ओवर सिंप्लीफाइड और रिजिड। कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आप एक इमेज सेट कर लेते हैं अपने माइंड में कि ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है उसके अंदर गर्ल्स भी आ सकती हैं, पुअर सेक्शन भी आ सकता है, जो भी आपके घर में मेड्स आती हैं काम करने उनके बारे में आप बिलीव बना सकते हैं कि उनकी जो कास्ट होती है वो अच्छी नहीं होती है, ऊंची नहीं होती है। तो इसी तरीके से आप बिलीव्स बना सकते हैं अपने दिमाग के अंदर, और जो आप ये इमेज को क्रिएट करते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। रिजिड मतलब कि जैसा सामने वाले ने आपको समझाया वैसे ही वो इमेज आपके माइंड में फिक्स हो गई, वो आप चेंज नहीं कर सकते। फिर आप उन्हीं इमेज को या उन्हीं बिलीव्स को आप फॉलो करते चले जाएंगे और आपकी भी थिंकिंग फिर वैसे ही हो जाएगी। तो जो ये थिंकिंग हम किसी और से लेते हैं, थॉट्स हम किसी और से लेते हैं, उसे ही बोला जाता है स्टीरियोटाइपिंग, थॉट्स और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अब यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्यों दिया गया है टॉपिक, क्यों जेंडर के उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेल के लिए कुछ और थॉट्स होते हैं, अब एक बच्चा पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है, तो उसके लिए क्या रखेंगे कि एक जगह बॉय है एक जगह गर्ल है, तो गर्ल के लिए पिंक कलर अच्छा लगता है और बॉय के लिए ब्लू कलर अच्छा लगता है।
जो गर्ल्स हैं वो जो हाउस मटेरियल आते हैं तो वो उनसे खेलती हैं, और जो बॉयज़ होते हैं वो खेलते हैं कार वगैरह से, वो रोते नहीं हैं, लड़कियां तो रोती हैं। तो ये जो थॉट्स हम स्टार्टिंग से ही बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं वो ही स्टीरियोटाइपिंग माना जाता है, और इसी थॉट्स को ही बच्चे आगे इम्प्लीमेंट करते हैं और आगे तक लेके जाते हैं। तो ये थॉट्स हमें पहले से मिलते आ रहे हैं, और आप भी अगर अपने बच्चों को इन फ्यूचर जनरेशन को यही थॉट्स देंगे तो वो भी ऐसे ही सीखेंगे। तो स्टीरियोटाइपिंग हमें बंद करनी है, हमें अपने थॉट्स को डेवलप करना है, न्यू थॉट्स को डेवलप करना है, जनरेशन के साथ चलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन से कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, कि कौन से कॉजेज डेवलप करते हैं स्टीरियोटाइपिंग को और उसी को ही मेंटेन करते हैं। तो बहुत सारे कॉजेज आपने देखे होंगे कि जो डेवलप करते हैं स्टीरियोटाइपिंग को और फिर वो आगे ही उसको आगे बढ़ावा देते हैं, तो वो कौन से हैं हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइप है पार्शियल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। यहाँ पे अब जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया, पार्शियल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज का क्या मीनिंग है। पार्शियल मीन्स होता है आधी अधूरी, जो आधी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अब आपको स्टार्टिंग से आपके जो भी फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने ये तो बता दिया आपको कि जो लड़कियां हैं वो रोती हैं और लड़के हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, वो बाहर जाके कमाते हैं, पर ये जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, आज के टाइम पर दोनों ही इक्वल हैं। तो जो आपने अपने फैमिली मेंबर से कंसीव्ड किए थॉट्स को वही आप उसको आगे तक लेके गए, और आपने उन्हीं के बेसिस पर एजम्पशन बना ली कि जो लड़कियां हैं वो तो रोती रहती हैं, उन्हें सिर्फ घर का काम ही करना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, पैसे नहीं कमाने चाहिए, घर के अंदर ही चूल्हा चौका करना चाहिए। तो ये जो आपने एजम्पशंस बनाई हैं आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से, वही बोला जाता है स्टीरियोटाइपिंग, और आप उन्हीं के ही बिलीव्स को आगे लेके जा रहे हैं। तो यही एक कॉज बन जाता है कि स्टीरियोटाइपिंग को डेवलप करने का और उसे आगे जनरेशन के लिए भी मेंटेन करने का। तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लेनी चाहिए, फुल इन्फॉर्मेशन आपको अपने थॉट से, अपने माइंड से लेनी चाहिए और सोचना चाहिए। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है कि अब आपको जो स्टीरियोटाइपिंग के थॉट्स हैं वो आपको कैसे मजबूर करेंगे उनको डेवलप कराने के लिए। तो सबसे मेन फैक्टर होता है आपके फैमिली मेंबर्स। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है फैमिली बिलीव्स का, क्योंकि जब बच्चा बॉर्न होता है वो ज़्यादातर फैमिली में ही रहता है, 2 साल तक 3 साल तक वो फैमिली के अराउंड ही रहता है। तो जैसा ही उसके फैमिली के थॉट्स होते हैं, जो बिलीव्स या रिलीजन उनकी फैमिली फॉलो करती है, वही थॉट्स बच्चे के अंदर भी आते हैं, वही थॉट्स बच्चा भी सीखता है। तो सोशलाइजेशन में क्या हो गया कि जो स्टीरियोटाइपिंग है आर प्रोड्यूस थ्रू सोशलाइजेशन। तो वो किससे प्रोड्यूस होती है, सोशलाइजेशन मींस आप सोसाइटी, जो आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट है आप उससे ले रहे हैं थॉट्स को। इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन अ पर्सन लर्न स्टीरियोटाइप्स। जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का उसी से ही बच्चा सीखता है क्या, स्टीरियोटाइप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तो उनसे डायरेक्टली कंसीव करेगा, जो थॉट्स उसके फैमिली मेंबर्स उसको दे रहे हैं, जो चीज़ें उसको सिखा रहे हैं, वैल्यू सिखा रहे हैं उसके फैमिली मेंबर्स, तो वैसे ही बच्चा सीखेगा डेफिनेटली। और इनडायरेक्टली क्या हो गया कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वो बाहर सोसाइटी में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा तो क्या होगा, जो उसके फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप हैं, उसकी टीचर्स हैं, जितने भी लोगों से वो मिलेगा उनके बिलीव्स को भी वो समझेगा और अपने अंदर एक्वायर कर लेगा। तो वही चीज़ है कि जो बच्चा है सोशलाइजेशन के प्रोसेस से स्टीरियोटाइपिंग को डेवलप करता है और उन्हें हेल्प करता है मेंटेन करने में सोसाइटी के अंदर। तो यही चीज़ है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है फैमिली बिलीव्स का कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, फैमिली में ही रहते हैं और वहाँ के ही जो रिलीजन वो फॉलो कर रहे हैं, जो भी वो उनके थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, उनको ही अपने अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थर्ड है सोशल एंड कल्चर डिस्टेंस। सोशल एंड कल्चर डिस्टेंस क्या बताता है कि ड्यू टू सोशल डिस्टेंस द पर्सन बिलोंगिंग टू वन सोसाइटी और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। अब सोशल डिस्टेंस से हम बात करें, जो पर्सन है वो बिलोंग करता है एक सोसाइटी या ग्रुप ऑफ कम्युनिटी से एंड फेल टू कीप द जेन्युइन एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अदर कम्युनिटी। अब कोई जैसे हिंदू हैं तो हिंदू के क्या बिलीव्स बन गए हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो उनको मतलब उनके अलग थॉट्स बनते हैं, एक कम्युनिटी को लेकर अपने वो थॉट्स डेवलप कर लेते हैं।
तो यही चीज़ होती है कि हम अदर कम्युनिटी के बारे में हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और हम क्या करते हैं, जेन्युइन एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में नहीं लेते हैं। तो जैसे ही थॉट्स आपके आसपास की सोसाइटी ने आपको दिए हैं, वैसे ही थॉट्स आप ले लेते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं हम रिलीजन का, तो रिलीजन के अंदर क्या होता है कि आप जिस फैमिली में बॉर्न हुए हैं, तो जो आपकी फैमिली जो रिलीजन फॉलो करती है, आप भी वही रिलीजन फॉलो करते हैं, वैसे ही थॉट्स आपके माइंड में डेवलप होते हैं उस रिलीजन को लेकर। तो हमारे पास दूसरे रिलीजन के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आधी अधूरी जो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होती है वो करती है स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देती है, उसको डेवलप कराती है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में थॉट्स को डेवलप कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर। नेक्स्ट है इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है, कॉपी करना। तो थ्रू इमिटेशन अ पर्सन अडॉप्ट्स द आइडिया एंड बिलीव्स ऑफ द नंबर्स ऑफ हिज ओन कैटेगरी। अब इसके अंदर क्या बोला है कि इमिटेशन भी एक तरीके का, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ऊपर वाला, तो सेम वही है कॉपी करना। तो इसके अंदर वो क्या हो जाएगा कि इमिटेशन के थ्रू ही जो पर्सन है वो किसी और के आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को कॉपी करता है, एंड द नंबर ऑफ हिज ओन कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी। तो वो अपने ही आइडियाज़ को, जैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स में जो भी वो रिलीजन उन्होंने फॉलो किया, या किसी भी एक कम्युनिटी को लेकर उनके माइंड में जो बिलीव्स हैं, उन्हीं बिलीव्स को अपने माइंड में कॉपी कर लेगा। तो यहाँ पर इमिटेशन का ही मतलब है कॉपी करना। तो उसने वो कॉपी कर लिए, और फिर उसी दूसरी कम्युनिटी के बारे में जो भी उसने कॉपी करा है, जो भी बिलीव्स उसने अपने माइंड में लिए हैं, तो वो भी फिर ऐसे ही कंटिन्यू करेगा दूसरी कम्युनिटी के बारे में वो जो बिलीव्स उसने लिए हैं। तो यही होता है इमिटेशन, और इमिटेशन से ही ज़्यादातर क्या बढ़ावा होता है, डेवलपमेंट होता है किसका, स्टीरियोटाइपिंग का, और वो सोसाइटी के अंदर मेंटेन चलती रहती है बिल्कुल एक लगातार। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशन एंड फॉकवेज। ट्रेडिशन एंड फॉकवेज भी सेम इसी के अंदर कैटेगरी आ जाती है इसकी। तो एवरीबडी ट्राइज टू अडॉप्ट द ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। हर एक जना ट्राई करता है कि जो सोसाइटी के ट्रेडिशंस हैं हम उसको फॉलो करें, एंड वॉन्ट्स टू डू वर्क अकॉर्डिंगली। जैसे कि सोसाइटी चाहती है हम उन्हीं की तरह अपना जो ट्रेडिशन है वो भी रखें और उन्हीं को ही फॉलो करते रहें। तो यही चीज़ होती है कि एक सोसाइटी, किसी और के बिलीव्स को आप अपने अंदर डाल रहे हैं, तो उसी को ही बोला जाता है स्टीरियोटाइपिंग। और ट्रेडिशन को जब हम किसी और के ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते हैं और सोसाइटी जैसा चाह रही है वैसा ही आप काम करते हैं, तो आप ही बढ़ावा दे रहे हैं स्टीरियोटाइपिंग को, और अपनी ही सोसाइटी के अंदर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स किस चीज़ के, कि कॉजेज़ क्या हैं डेवलपमेंट की, जो स्टीरियोटाइपिंग आपके सोसाइटी के अंदर, आपके माइंड के अंदर डेवलप हो रही है, तो वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं, एंड मेंटेन करती है आपकी सोसाइटी में स्टीरियोटाइपिंग को। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, किसके अंदर हमने समझा है स्टीरियोटाइपिंग की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन क्या है, और कौन से कॉजेज रहते हैं कि जो स्टीरियोटाइपिंग को आपकी ही सोसाइटी में बढ़ाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको ये टॉपिक आज का अच्छा लगा हो और आपने प्रीवियस की वीडियोस देखे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।